हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे नफल नमाज के बारे में। नफल नमाज क्या है? हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्तों की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ कहते हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है और ना पढ़े तो गुनहगार होंगे। फ़र्ज़ नमाज के अलावा सुन्नत और नफल नमाज भी हदीसों से मालूम होती है। सुन्नत दो तरीके के होते हैं। नंबर एक, सुन्नत मौक़दा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ा हो। नंबर दो, सुन्नत गैर मौक़दा जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ा हो और कभी नहीं पढ़ा हो। वो नमाज है जिसको पढ़ने की फजीलत और बरकत का जिक्र कसरत से हदीसों में आया है, लेकिन अगर किसी वजह से ना पढ़ सके तो कोई गुनाह नहीं होगा, उन्हें नफल कहते हैं। अब जानते हैं नमाज इशराक के बारे में। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि बदन में 360 जोड़ हैं, फिर आदमी पर लाजिम है कि अपने हर जोड़ के बदले सदका और खैरात करे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिसकी ताकत रखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रकातें नमाज इशराक की पढ़नी तुझ पर काफ़ी है। दो रकात 360 जोड़ का सदका है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है फिर आफ्ताब निकलने तक अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है, फिर दो रकात नफल पढ़ता है तो उसे हज और उमराह का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रे का सवाब, कामिल हज और उम्रे का सवाब, कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। सूरज तुलू होने के 20 या 25 मिनट बाद से लेकर जवाह कुबरा तक इशराक का वक्त होता है। इशराक की नमाज कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाश्त की 2 रकात पढ़ने का अहतमाम करता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। चाश्त का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से लेकर जवाल तक है। बेहतर है कि चौथाई दिन के चढ़ते ही पढ़ ले, ये इशराक के फौरन बाद ही पढ़ ले। चाश्त की नमाज कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें इस तरह पढ़ता है कि उसके दरमियान कोई फजूल बात नहीं करता तो उसे 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। मगरिब के फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत मौक़दा पढ़ने के बाद, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा के अलावा 4 रकात नफल और पढ़ी जाए तो 6 हो जाएगी। बाज़ उलमा के नज़दीक ये 6 रकात मगरिब की 2 रकात सुन्नत मौक़दा के अलावा है। अब जानते हैं तहज्जुद के नमाज के बारे में। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनके रब ने उन्हें जो सवाब अता किया होगा वो उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वे लोग इससे पहले यानी दुनिया में नेकी करने वाले थे। वे लोग रात में बहुत ही कम सोया करते थे, यानी रात का अक्सर हिस्सा इबादत में मशगूल रहते थे और शब के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, वो तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है, उससे तुम अपने रब का कुर्ब हासिल करोगे, गुनाह माफ़ होंगे और गुनाहों से बचे रहोगे। तहज्जुद का वक्त ईशा के वक्त से शुरू होकर सुबह सादिक तक रहता है। अफजल यह है कि रात के आखिरी वक्त में पढ़े, यानी सुबह सादिक से थोड़े देर पहले का वक्त। तहज्जुद नमाज कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। अब जानते हैं नमाज इस्तिखारा के बारे में। हदीसों में आया है कि जब कोई शख्स किसी काम का इरादा करे तो 2 रकात नफल पढ़े। इसकी पहली रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य काफिरुन और दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य इखलास पढ़े। अब जानते हैं नमाज हाजत के बारे में। जब किसी को कोई हाजत अल्लाह ताला से हो या किसी बंदे से हो या मुश्किल पेश आए तो खूब एहतियात से अच्छी तरह वुजू करके 2 या 4 रकात नफल पढ़े और दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी।
आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतल्लिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।